दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग हीरो चैनल को और प्रेस कीजिए वो बेल आइकन को, जिसे आप देख पाएंगे हमारे गेमिंग और टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मन्नू और आप देख रहे हैं गेमिंग हीरो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने GTA San Andreas के अंदर एक न्यू मॉड, वो भी बाइक का, कैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं जो बाइक चला रहा हूँ वो आपको इस गेम में आए मिल सकती हैगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक कैसी दिखती है असल में। फ्रेंड्स देख सकते हैं, फ्रेंड्स देख सकते हैं बाइक कितनी अच्छी दिख रही है। फ्रेंड्स, इसके आपको और अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, गेम चलाने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस दो सर्च करनी है। पहली एप्लीकेशन का नाम है जेड आर्चीवर। तो फ्रेंड्स, जेड आर्चीवर इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, 2 MB की फाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे तो पास जेड आर्चीवर डोनेट है वैसे। और फ्रेंड्स, आपको एक और एप्लीकेशन सर्च करनी है, इसका नाम है GTA IMG Tool। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड कर लेनी है, कुछ 786 KBPS की है। डाउनलोड करने के बाद जाइए जेड आर्चीवर में। अब वहाँ जाइए जहाँ फाइल को डाउनलोड किया है, ये रही फाइल, कीजिए इस पर एक्सट्रैक्ट। जाइए कोई से खाली से फोल्डर में। फ्रेंड्स, ये कीजिए यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिए कोई से खाली फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट होने के बाद दिखेगी आपको कुछ इस तरह का एक फोल्डर, इसके अंदर जाइए, जाइए मॉडल के अंदर और यहाँ से फिर ये दो फाइलों को सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों को कीजिए यहाँ से कट या कॉपी और यहाँ से आइए फिर बैक और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसे करना है, फ्रेंड्स यहाँ से फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैक फिर वहाँ से अपने GTA IMG। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ओपन IMG पे क्लिक करना है। जाइए यहाँ से फिर जाइए अपने एंड्रॉयड के फोल्डर में। com.rockstar.gta.sa में जाइए, फाइल्स में जाइए, टेक्स्ट DB में जाइए, GTA 3 IMG पे सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से। फिर मोर पे क्लिक कीजिए, ऐड फाइल्स विद रिप्लेस और फिर यहाँ से आइए बैक 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 और वहाँ जाइए जहाँ फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था और यहाँ से फिर कीजिए इसको सिलेक्ट, NRG 500 को, और यहाँ से फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेसिंग होने देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम ले सकता है। हो रही है फ्रेंड्स हमारी प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर कीजिए यहाँ पे मोर पे सिलेक्ट और फ्रेंड्स फिर यहाँ से कीजिए सिलेक्ट रीबिल्ड पे। फ्रेंड्स, रीबिल्ड पे हमारी होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा गेम रिप्लेस कर देता है। फ्रेंड्स, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका कुछ भी उसमें चीट डली हुई तो ये कुछ डिलीट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक कर दीजिए, फिर ताकि मैं आपके लिए और ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, हमारी हो रही है रीबिल्डिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब मेरे से कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है वीडियो में या कुछ समझ नहीं बैठता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रीबिल्डिंग हो चुकी है, अब कीजिए अपना गेम ओपन। गेम ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बाइक आपको कहाँ दिखे, कहाँ से निकालनी है। फ्रेंड्स, आपको एक चिट ओपन करना है व्हीकल स्वयं के नाम का, नीचे ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए और फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह की एक चिट होगी, व्हीकल स्वयं ये वाली। तो इसको आप कीजिए एक बार टैप, फिर जाइए मोटो किक लेटेस पे, फिर आइए नीचे ये FCR 900 पे और फ्रेंड्स फिर आपको ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ये वाले पे, फिर जाइए ये NRG 500 पे आपको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपकी बाइक यहाँ पे आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे और राइट पे क्लिक करते रहेंगे आपको और रंग इसके दिखते जाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे अच्छे रंग हैं इसके,
मैं आपको कोई सा भी एक रंग लेके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वाइट। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छी अच्छी कितनी अच्छी बाइक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक पावर बूस्टर भी दिख जाएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ ये वाला फ्रेंड्स। अगर पावर बूस्टर पे क्लिक करेंगे इस पर और इससे आपकी फ्रेंड्स गाड़ी उड़ने लग जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी फुल स्पीड में चलती है फ्रेंड्स। बस इसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन रहता है, इसकी बैड ड्राइविंग है वो तो थोड़ा पावर बटन ना ही दबाएँ। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी गेमिंग और टेक्नोलॉजी की वीडियो लाता रहूँ। फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।